बेटा आज हम डिस्कस करेंगे ब्लड सप्लाई ऑफ दी जीआईटी ऑर्गन्स। तो इसमें सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे स्टमक को। स्टमक का हमें पार्ट्स का पता है, ये एरिया जो है कार्डिया एरिया कहलाता है, और ये फंडस है, ये बॉडी है, यहाँ पे ये पाइलोरस है, फिर ये ड्यूडिनम से कंटिन्यूस हो जाता है। ये लेसर कर्वेचर है, ये है ग्रेटर कर्वेचर। ठीक है, सबसे पहले जिस तरीके से हमें आना चाहिए कि लेसर कर्वेचर ऑफ दी स्टमक इज अप्लाइड बाय दी ठीक है, लेसर कर्वेचर जो है वो किससे सप्लाइड है। यहाँ पे आप देखो, ये हमारे पास सीलिएक ट्रंक है मेन, जो किसकी ब्रांच है, वेंट्रल ब्रांचेज ऑफ द एओर्टा में जो फर्स्ट ब्रांच आती है, जो वो है कौन सी, सीलिएक ट्रंक। अब सीलिएक ट्रंक से यहाँ से एक ब्रांच निकल रही है जिसको कहते हैं लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी। ये यानी कि लेसर कर्वेचर सप्लाइड बाय टू आर्टरीज, एक आ रही है लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी जो कि डायरेक्ट ब्रांच है किसकी, सीलिएक ट्रंक की। ठीक है, और फिर ये जो जो कंप्लीट कर रही है इसको लेसर कर्वेचर की सप्लाई को, यहाँ पे आप देखो ये सीलिएक ट्रंक से डायरेक्ट नहीं आ रही, ये आ रही है कॉमन हेपेटिक आर्टरी विच इज़ ए ब्रांच ऑफ द सीलिएक ट्रंक। ठीक है, तो ये सप्लाई हो गई किसकी, लेसर कर्वेचर की। तो कभी कोई ऐसे बीसी क्यों आ जाता है कि लेसर कर्वेचर इन्वॉल्व है किसी डिजीज़ में, तो आप इन दोनों के में से कोई एक ऑप्शन होगा। लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी का किसकी ब्रांच है, सीलिएक ट्रंक की डायरेक्ट ब्रांच है, और राइट सॉरी कौन सी जो राइट गैस्ट्रिक आर्टरी है विच इज़ ए ब्रांच ऑफ दी कॉमन हेपेटिक आर्टरी, एंड कॉमन हेपेटिक आर्टरी इज ए ब्रांच ऑफ दी सीलिएक ट्रंक। ठीक, ये होगी लेसर कर्वेचर की सप्लाई। फिर हम आते हैं फंडस पे। ये आप देख रहे हैं, एक ये जो सीलिएक ट्रंक है इसकी एक ब्रांच तो डायरेक्ट आ गई लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी, ये डॉटेड जो आ रही है दिस इज स्प्लेनिक आर्टरी और कॉमन हेपेटिक आर्टरी। यानी कि सीलिएक ट्रंक की तीन ब्रांचेज हैं, लेफ्ट गैस्ट्रिक, राइट इसकी नहीं है ठीक है, और स्प्लेनिक आर्टरी एंड देन दी कॉमन हेपेटिक आर्टरी। जो लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी राइट गैस्ट्रिक आर्टरी वो है ब्रांचेज किसकी, कॉमन हेपेटिक आर्टरी। ठीक है, अब ये सीलिएक ट्रंक की जो दूसरी ब्रांच है वो कौन सी है, ये वाली स्प्लेनिक आर्टरी। स्प्लेनिक आर्टरी डॉटेड बनाई हुई है, इसका मतलब है ये स्टमक के पोस्टीरियर पार्ट से पास हो रही है। अगर पोस्टीरियर कोई कार्सिनोमा ऐसा है जिस जो पेनिट्रेट कर जाता है पोस्टीरियर वाले स्टमक को, और तो उसमें जो आर्टरी इन्वॉल्व होती है कौन सी, स्प्लेनिक आर्टरी होती है, ये भी एक पीसी क्यों आता है। अब यहाँ पे आप देखो, ये जो ये फंडस है ये सप्लाइड बाय होता है शॉर्ट गैस्ट्रिक आर्टरी, दीज आर दी ब्रांचेज ऑफ दी स्प्लेनिक आर्टरी। ठीक है, तो अगर फंडस की किसी डिजीज़ का जिक्र होगा तो उसमें आप आर्टरी कौन सा चुनोगे, शॉर्ट गैस्ट्रिक आर्टरी। अगर शॉर्ट गैस्ट्रिक आर्टरी का ऑप्शन नहीं होगा तो उसकी मेन ब्रांच उसका होता है, मेन आर्टरी का होता है जिसकी वो ब्रांच होती है। ठीक है, तो स्प्लेनिक आर्टरी हो गई। अच्छा, ये हो गई बात फंडस की, फिर ये लेसर कर्वेचर की सप्लाई की हो गई। अब यहाँ पे हम आते हैं ग्रेटर कर्वेचर की। ग्रेटर कर्वेचर में भी इसी तरह राइट एंड लेफ्ट गैस्ट्रो एपिप्लोइक आर्टरीज है। देखिए, लेफ्ट गैस्ट्रो एपिप्लोइक आर्टरी इज ए ब्रांच ऑफ द स्प्लेनिक आर्टरी। ठीक है, और राइट गैस्ट्रो एपिप्लोइक आर्टरी, ये यहाँ पे आप देखें देखें ये यहाँ पे ब्रांच है गैस्ट्रो ड्यूडिनल, जो किसकी ब्रांच है, कॉमन हेपेटिक की। ठीक है, कॉमन हेपेटिक आर्टरी उसकी ब्रांच है गैस्ट्रो ड्यूडिनल, गैस्ट्रो ड्यूडिनल, फिर ये सुपरा ड्यूडिनल दे रही है जो कि फर्स्ट पार्ट ऑफ ड्यूडिनम की तरफ जा रही है, और ये रेट्रो ड्यूडिनल है। ठीक है, तो ये जो गैस्ट्रो ड्यूडिनल है इसकी ब्रांच है हमारे पास कौन सी, राइट गैस्ट्रो एपिप्लोइक आर्टरी। ठीक है, और गैस्ट्रो ड्यूडिनल खुद किसकी है, ये जो है हमारे पास यहाँ पे क्या है, ये कॉमन हेपेटिक आर्टरी। ये हेपेटिक आर्टरी, हाउ दी हेपेटिक आर्टरी इज फॉर्म बाई द राइट एंड लेफ्ट हेपेटिक आर्टरी यूनाइट टूगेदर एंड फॉर्म दी हेपेटिक आर्टरी। ठीक है, या ये भी कह सकते हो कि ये इसको जाके इसमें दो में डिवाइड हो गई। ठीक है, तो ये हो गया सप्लाई किसकी, ग्रेटर कर्वेचर की, ये हो गई फंडस की, यहाँ पे हो गई लेसर कर्वेचर की। ठीक, अच्छा, ये इसी तरीके से आपके बी सी क्यू भी आते हैं। बिलफर्ज अगर हम इस बी सी क्यू को डिस्कस कर रहे हैं, 55 ईयर्स ओल्ड मैन विथ एलिवेटेड एल डी एल कोलेस्ट्रोल डेवलप एन एथेरोमेटस प्लाक विद इन दी सीलिएक ट्रंक, सीलिएक ट्रंक। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग एनास्टोमोसिक कनेक्शन स्पेसिफिकली लिंक्स फोर गट एंड दी मिड गट ब्लड सप्लाई एंड मे सेव दिस पेशेंट्स लाइफ। अब देखें,
डेवलपमेंट अगर आपको याद है तो फोर गट की हमारे पास होता है सेकेंड पार्ट ऑफ ड्यूटिनम तक, जहाँ पे बाइल डक्ट ओपन होती है, ठीक है। नीचे हमारे पास उसके बाद बाइल डक्ट के नीचे से शुरू हो जाता है मिड गट। तो फोर गट की आर्टरी होती है सिलेक्ट रंग, और मिड गट की आर्टरी कौन सी है? सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी। तो अब ये क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग एनास्टोमोसिक कनेक्शन स्पेसिफिकली लिंक्स द फोर गट एंड द मिड गट ब्लड सप्लाई एंड मे सेव दिस पेशेंट। तो ऑप्शन क्या लिखे मैं, ऑप्शन इसने लिखा हुआ है राइट गैस्ट्रो एपिप्लोइक एंड लेफ्ट गैस्ट्रो एपिप्लोइक। पीछे अगर आप देखें तो राइट गैस्ट्रो एपिप्लोइक इज ए ब्रांच ऑफ द स्प्लीनिक आर्टरी एंड लेफ्ट सॉरी राइट गैस्ट्रो एपिप्लोइक इज ए ब्रांच ऑफ द गैस्ट्रोड्यूडिनल विच इज़ द ब्रांच ऑफ द कॉमन हेपेटिक आर्टरी, ठीक है, और लेफ्ट गैस्ट्रो एपिप्लोइक इज ए ब्रांच ऑफ द स्प्लीनिक आर्टरी। तो ये दोनों ही अगर देखे जाएँ तो हमारे पास ये फोरगट की उससे ही आ रही हैं। तो इसने तो जिक्र किया है कि एनास्टोमोसिक कनेक्शन बिटवीन फोरगट एंड द मिडगट, तो राइट गैस्ट्रिक एंड लेफ्ट गैस्ट्रिक, वो भी सीलिएक से यूं कह लो कि राइट गैस्ट्रिक की ब्रांच ये राइट गैस्ट्रिक आर्टरी है, और ये वाली ये भी कॉमन हेपेटिक की है जो सिलेक्ट की है। सिलेक्ट रंग जो है वो किसकी, फोरगट की ही ब्रांच है, और यहाँ से ये जो जा रही है ये भी सिलेक्ट रंग की है, तो वो ये भी फोरगट सी हो गई। फिर क्या कह रहे हैं, लेफ्ट गैस्ट्रिक एंड स्प्लीनिक, लेफ्ट गैस्ट्रिक ये वाली और स्प्लीनिक, स्प्लीनिक खुद किसकी है, सिलेक्ट रंग की, और लेफ्ट गैस्ट्रिक उसी की है। तो सिलेक्ट रंग इसे ब्लड सप्लाई किसको देता है, फोरगट को। सुपीरियर पेंक्रियाटिक और ड्यूटिनल एंड इन्फीरियर पेंक्रियाटिक और ड्यूटिनल, सुपीरियर पेंक्रियाटिक और ड्यूटिनल ये रही एंड इन्फीरियर पेंक्रियाटिक को ड्यूटिनल। अब ये सुपीरियर पेंक्रियाटिक और ड्यूटिनल तो गेस्ट्रो ड्यूटिनल की है, और फिर ये वो सिलेक्ट रंग से ही आ रही है जिसे कॉमन हेपेटिक की, तो ये तो हो गई फोरगट की। अब बात कर रहा है इन्फीरियर पेंक्रियाटिक और ड्यूटिनल, वो हो गई उसकी सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी की ब्रांच। यहाँ पे कोई ऐसी डायग्राम है, यहाँ पे आप देखें ये है सुपीरियर पेंक्रियाटिक, ये सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी है ये वाली, ठीक है, और ये रही इन्फीरियर पेंक्रियाटिक और ड्यूटिनल आर्टरी। यानी कि इसमें से आपको ये देखना था कि एक ब्रांच उसने पूछी है फोरगट की और एक ब्रांच उसने पूछी है मिडगट की। अगर आपको ब्रांचेस सही तरीके से याद होंगी तो आप इसका आंसर बता दोगे कि इसका आंसर होगा डी, क्योंकि वो ऊपर वाली सारी ब्रांचेस जो हैं वो सिलिएक ट्रंक से ही डायरेक्ट या इनडायरेक्ट जो हैं उसी से कनेक्शन में, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएंगे ऊपर वाले और नीचे वाला सही हो जाएगा। तो ब्रांचेस के नाम टिप पे याद होने चाहिए। लाइगेशन ऑफ द कॉमन हेपेटिक आर्टरी विच आर्टरी विल एलिमिनेट द गैस्ट्रिक ब्लड सप्लाई थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टरीज, किसको कर रहा है, कॉमन हेपेटिक, वेयर इज कॉमन हेपेटिक आर्टरी, दिस वन इज द कॉमन हेपेटिक आर्टरी, इसको लाइगेट किया है। इसकी ब्रांचेस कौन सी हैं, यहाँ पे राइट गैस्ट्रिक भी आ रही है, ये गैस्ट्रोड्यूटिनल भी आ रही है, ठीक है, तो इसने इसको लाइगेट किया। तो लाइगेशन ऑफ द कॉमन हेपेटिक आर्टरी विल एलिमिनेट द गैस्ट्रिक ब्लड सप्लाई किसको करेगी, लेसर कर्वेचर की तरफ ही उसकी आ रही है ना, लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी एंड द शॉर्ट गैस्ट्रिक आर्टरीज, उसकी ब्रांचेज इनडायरेक्ट वे में आपसे पूछना चाह रहा है, शॉर्ट गैस्ट्रिक आर्टरी एंड द राइट गैस्ट्रो एपिप्लोइक आर्टरी। अब यहाँ पे कॉमन हेपेटिक आर्टरी की ब्रांचेज आपके पास कौन सी हैं, कॉमन हेपेटिक ये रही, इसकी एक है राइट गैस्ट्रिक आर्टरी और गैस्ट्रोड्यूटिनल आर्टरी, और भी यहाँ से ये हेपेटिक आर्टरी है, ठीक है। तो अब मैन आपको हमें क्या जहन में रखनी है कि राइट साइड वाली ज़्यादातर आर्टरीज हैं, ठीक है। तो अब इसका आंसर क्या होगा, ये लेफ्ट वाला तो इधर मैंने निकाल दिया, शॉर्ट गैस्ट्रिक तो स्प्लीनिक की थी, ठीक है, स्प्लीनिक जो है वो सिलेक्ट रंग की ब्रांच है, राइट गैस्ट्रो एपिप्लोइक एंड द राइट गैस्ट्रिक आर्टरी ये है ब्रांच उसकी, ठीक है। तो मैन जीआईटी में ब्रांचेस के नाम आपको डायग्राम के थ्रू टिप पे याद हों, क्योंकि उसमें इसी तरीके से घुमा के बिजी क्यों पूछेंगे, ठीक है। ये वेनस ड्रेन सप्लाई है स्टमक की। अब यहाँ पे देखो ये वही लेसर कर्वेचर है, लेसर कर्वेचर में ये पोर्टल वेन है, देखो ये पोर्टल वेन बनी कैसे, ये सुपीरियर मेसेंट्रिक वेन है और यहाँ से स्प्लीनिक वेन आई और दोनों ने मिलकर बना दी पोर्टल वेन, ठीक है। तो पोर्टल वेन से यहाँ एक ब्रांच निकली है, ये है राइट गैस्ट्रिक वेन, और यहाँ से ये निकली है पोर्टल वेन ने दी है लेफ्ट गैस्ट्रिक वेन, और दोनों ही सप्लाई कर रही हैं किसको, लेसर कर्वेचर को, ठीक है। फिर इसी तरीके से स्प्लीनिक वेन जो है वो दे रही है शॉर्ट गैस्ट्रिक वेन, और फिर लेफ्ट गैस्ट्रो एपिप्लोइक वेन, और यहाँ से हमारे पास जो लेफ्ट राइट गैस्ट्रो एपिप्लोइक वेन है ये वाली,
ये किसकी ब्रांच है? सुपीरियर मेसेंट्रिक वेन की, ये जहन में रखना। इसी तरीके से BCQs आते हैं, क्योंकि आर्टीरियर सप्लाई में थोड़ी सी चेंज है नाम, वेनस में जो है वो सप्लाई चेंज। सबसे पहले तो आपको आना चाहिए कि पोर्टल वेन बनती कैसे, बाय द यूनियन ऑफ द सुपीरियर मेसेंट्रिक वेन एंड द स्प्लेनिक वेन फॉर्म्स द पोर्टल वेन। फिर उसकी ट्रायबिटीज़ देखें तो आप ये बताएंगे राइट एंड लेफ्ट गैस्ट्रिक वेन भी हो गई, और जिससे ये बनती है वो भी इसकी ट्रायबिटीज़ में आ जाता है, और फिर ये सुपीरियर मेसेंट्रिक से क्या निकल रही है, राइट गैस्ट्रोपिप्लोइक वैन, और इधर स्प्लीनिक से निकल रही है लेफ्ट गैस्ट्रोपिप्लोइक एंड दी शॉर्ट गैस्ट्रिक वैन, ये इसकी ट्रायबिटरीज भी हो गई। ठीक है, ये हो गया स्टमक की ब्लड सप्लाई और जिसमें आर्टरी और वेनस पड़ी। अब ड्यूडिनम में जब हम आते हैं तो ड्यूडिनम के 4 पार्ट हैं, ये फर्स्ट पार्ट है, फिर ये सेकेंड, यहाँ तक ये फर्स्ट हो गया, ये सेकेंड हो गया, ये थर्ड हो गया, और फिर ये क्या हो गया, फोर्थ पार्ट। फर्स्ट पार्ट ऑफ ड्यूडिनम ये वाला, ठीक है, यहाँ पे आप देखो ये हेपेटिक आर्टरी, हेपेटिक आर्टरी हम पढ़ चुके हैं पिछले डायग्राम में, हम देख चुके हैं। ठीक है, अब हेपेटिक आर्टरी ने यहाँ से ब्रांचेस दी, हेपेटिक आर्टरी ने फर्स्ट पार्ट को ये भी सप्लाई करी है, फिर गैस्ट्रोड्यूडिनल भी इसकी है जो कि पोस्टीरियरली इससे पास हो रही है, और गैस्ट्रोड्यूडिनल देखो इसको यहाँ पे सुपराड्यूडिनल आर्टरी भी दी जिसको आर्टरी ऑफ वेकिउस भी कहते हैं। ठीक है, अच्छा, फिर यहाँ पे ये सुपीरियर पेंक्रियाटिक और ड्यूडिनल जो मैं आपको बता चुकी थी, इट इज़ ए ब्रांच ऑफ दी गैस्ट्रोड्यूडिनल आर्टरी। अब सुपीरियर पेंक्रियाटिक और ड्यूडिनल को देखो, ये एक डॉटेड बनाइए, एक प्लान बनाइए, यानी कि ये एक एंटीरियर पोस्टीरियर ब्रांचेज हो गए, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर ब्रांचेज हैं, जिसने ये आर्केट दिया है सेकेंड पार्ट ऑफ द ड्यूडिनम को, सेकेंड को भी देता है, इसी तरीके से थर्ड को भी देता है। तो इस आर्केट से ये जो स्ट्रेट आर्टरीज होती है उसको वेजा रेक्टा बोलते हैं ना, वो खैर ड्यूडिनम में नहीं जेजुनम में हम उनको डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये एंटीरियर एंड पोस्टीरियर ब्रांचेज हो गई जो कि आर्केट बना के इसको सप्लाई कर रही हैं, लेकिन ये ब्रांचेज हैं किसकी, सुपराड्यूडिनल उसकी ब्रांच है, सुपीरियर पेंक्रियाटिक और ड्यूडिनल आर्टरी जिसने फिर ये ब्रांचेज दी। ठीक है, और फिर हमने कहा था कि मिड फोरगट की आर्टरी होती है सिलिएक ट्रंक जो यहाँ तक सेकेंड पार्ट ऑफ द ड्यूडिनम तक सप्लाई करेगी, फिर जहाँ पे बाइल डक्ट की ओपनिंग होगी उससे बिलो जो होगा वो मिड गट की आर्टरी होगी, ऊपर फोरगट की आर्टरी थी सिलिएक ट्रंक, नीचे मिड गट की आर्टरी जो होती है जो कि राइट 2/3 ऑफ ट्रांसवर्स कोलन तक सप्लाई करती है, तो वो होगी हमारे पास सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी, यानी कि इन्फीरियर पेंक्रियाटिक और ड्यूडिनल आर्टरी इज ए ब्रांच ऑफ दी। अब देखो ये इन्फीरियर पेंक्रियाटिक और ड्यूडिनल आर्टरी भी एंटीरियर पोस्टीरियर दे रही है, और यहाँ पे सुपीरियर पेंक्रियाटिक और ड्यूडिनल आर्टरी भी एंटीरियर पोस्टीरियर दे रही है, जो आपस में यहाँ के फिर एनास्टोमोस कर लेती हैं। ठीक है, तो हमारे पास ये थर्ड पार्ट ऑफ ड्यूडिनम है ये वाला, इसमें हमारे पास ये हमें सुपीरियर पेंक्रियाटिक सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी नज़र आ रही है। ठीक, तो यहाँ से ये जेजुनम के को भी सप्लाई करने के लिए ब्रांचेस दे रही है, क्योंकि जेजुनम भी मिडगट का ही पार्ट है। ठीक है, अब यहाँ पे पढ़ते हैं, 65 इयर्स ओल्ड मैन विथ हिस्ट्री ऑफ द ड्यूडिनल अल्सर वाज ब्रॉट टू द हॉस्पिटल इन ए स्टेट ऑफ शॉक इंडिकेटिंग सीवियर इंटरनल हेमोरेज, द ब्लड वेसल्स विच कुड बी एरोडेड इन सच ए केस वुड इंडिकेट। अब आपने ब्लड सप्लाई इसकी देखी, तो पहले क्या पूछ रहा है, गैस्ट्रोड्यूडिनल, इन्फीरियर पेंक्रियाटिक ड्यूडिनल, शॉर्ट गैस्ट्रिक आर्टरीज एंड स्प्लीनिक आर्टरीज। क्या आपको यहाँ पे शॉर्ट गैस्ट्रिक और स्प्लीनिक आर्टरी नज़र आई? नहीं आई। तो गैस्ट्रोड्यूडिनल एंड इन्फीरियर पेंक्रियाटिक ड्यूडिनल आर्टरी, यहाँ पे ये जो आर्केड बना रही है यहाँ से इन्फीरियर पेंक्रियाटिक ड्यूडिनल और सुपीरियर पेंक्रियाटिक ड्यूडिनल का है, और सुपीरियर का तो उन्होंने ऑप्शन नहीं दिया। ठीक है, तो हमारे पास हम आंसर क्या लिखेंगे, इन्फीरियर पेंक्रियाटिक ड्यूडिनल आर्टरी। इसमें भी देखिए हमने क्या नोट किया कि ब्रांचेस पूछी हैं। फिर हम आते हैं पेंक्रियास पे, पेंक्रियास की हमें पार्ट्स का पता है, ये एंसिनेट प्रोसेस है, ये हेड है, ये नेक का पोर्शन है, ये बॉडी है, और ये टेल है जो कि हाइलम ऑफ दी स्प्लीन की तरफ जाके एंड होता है, इसलिए जो टेल होता है वो पेरिटोनियम से कवर्ड होता है, बाकी पार्ट जो है वो पेरिटोनियम से कवर्ड नहीं होता, वो रेट्रोपेरिटोनियल होता है। ये ड्यूडिनम का सी शेप है जिसपे हेड ऑफ दी पेंक्रियास जो है वो इसमें फिट होता है। अब यहाँ पे भी वो देखे सीलिएक ट्रंक है, और ये तो हमारे पास जो इसकी स्प्लीनिक आर्टरी है जो देखो इसकी बॉडी को टेल को सप्लाई कर रही है थ्रू ब्रांचेस, और ये हमारे पास है हेपेटिक आर्टरी, हेपेटिक आर्टरी जो ब्रांचेस दे रही है गैस्ट्रोड्यूडिनल, और ये देखो सुपीरियर पेंक्रियाटिक ड्यूडिनल जो कि हेड को सप्लाई कर रहा है ज़्यादातर। ठीक है, और इन्फीरियर पेंक्रियाटिक ड्यूडिनल जो है वो किसकी ब्रांच थी, सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी की। ठीक है, वो अनसिनेट प्रोसेस एंड लोअर पार्ट ऑफ हेड, अनसिनेट प्रोसेस एंड दी अपर पार्ट ऑफ हेड, और
यहाँ पे हमारे पास इसको एंटीरियर पेंक्रियाटिकोड्यूटिनल आर्टरी कहाँ से आई, ये सुपीरियर पेंक्रियाटिकोड्यूटिनल है, ये इन्फीरियर पेंक्रियाटिकोड्यूटिनल। देखो इन्फीरियर पेंक्रियाटिको और सुपीरियर पेंक्रियाटिकोड्यूटिनल वही एंटीरियर एंड पोस्टीरियर पेंक्रियाटिकोड्यूटिनल आर्केड दे रही हैं, जो सुपीरियर की होंगी और वो इन्फीरियर की होंगी, उनसे एंटीरियर पोस्टीरियर से आके इस तरह एनास्टोमस कर रहा है। तो ये हेड एंटीनेट प्रोसेस तो इससे सप्लाई हो गया। बाकी अगर हम देखें तो ये जो स्प्लीनिक आर्टरी है ये एक ब्रांच दे रही है नेक की तरफ, नेक और बॉडी के पास भी जा रही है, इसका नाम क्या है, पेंक्रियाटिक ब्रांचेस, ठीक है। और जो मेन आर्टरी एक लार्ज सी जो है जो बॉडी को और इस तरह टेल की तरफ भी जा रही है, जो ये सबसे ये लार्जेस्ट आपको नज़र आ रही है, इसका नाम है आर्टीरिया पेंक्रियाटिका मैग्ना, ठीक है। और जो टेल की तरफ है उसका नाम है आर्टीरिया कार्डा पेंक कार्डल मीन कार्डल कार्डा मीन कार्डल एंड पेंक्रियाटिका, ठीक है। तो ये ब्रांचेज हैं किसकी, स्प्लेनिक आर्टरी, या तो ऑप्शन स्प्लेनिक आर्टरी का देगा या फिर इन ब्रांचेस का देगा। तो ये आपको जहन में रखना है कि ये पेंक्रियास को जो सप्लाई करने के लिए सीलिएक ट्रंक से भी ब्रांचेज आ रही हैं और सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी से भी आ रही है, और पूरा एक आर्केड बन रहा है जो आपस में एनास्टोमोस भी कर रहा है, ठीक है। तो अगर बिलफर्स टेल ऑफ द पेंक्रियास की कोई डिजीज़ होगी तो स्प्लेनिक आर्टरी का ऑप्शन होगा या फिर इसका ऑप्शन होगा आर्टीरिया कार्डा पेंक्रियाटिका। और अगर बॉडी और इसका है बॉडी का है तो हमारे पास या स्प्लेनिक आर्टरी का ऑप्शन है या आर्टीरिया पेंक्रियाटिका मैग्ना का, ठीक है। और नेक में भी ज़्यादातर जो आ रही है वो स्प्लेनिक आर्टरी से ही ब्रांच आ रही है, और लेकिन हेड जो एंटीनेट प्रोसेस है उसमें ज़्यादा ब्रांचेस सुपीरियर इन्फीरियर पेंक्रियाटिकोड्यूटिनल की आ रही हैं। जो सुपीरियर है वो ब्रांच है किसकी, सिलिएक ट्रंक, इनडायरेक्ट वे में सिलिएक ट्रंक ही हुआ क्योंकि वो गैस्ट्रोड्यूटिनल की है, गैस्ट्रोड्यूटिनल हेपेटिक की है, हेपेटिक जो है वो सिलिएक ट्रंक की है, ठीक है। अच्छा, और इन्फीरियर पेंक्रियाटिकोड्यूटिनल जो है वो सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी की है, ठीक। अच्छा, अब हम आते हैं जेजुनम, जेजुनम ये जेजुनम है, ये इलियम है। अब सबसे पहला जो थोड़ा सा डिफरेंस बीसीक्यूज में आता है, देखो जेजुनम में जो आर्केड है वो इतना डेंस नहीं है जितना, यानी कि जे इलियम में जो आर्केड होता है इसका ब्लड सप्लाई का वो ज़्यादा न्यूमरस है, ठीक है। अब यहाँ पे इस पहले इससे देखें तो ये सारी ब्रांचेस कहाँ से आएंगी, सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी से, क्योंकि मिडगट की आर्टरी वही है, ठीक। यहाँ पे आप देखें सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी से अगर देखें तो ये इसने ब्रांचेस दी जिसने एनास्टोमस करके आपस में एक आर्केड बनाया, इस आर्केड के ख़त्म होने के बाद जहाँ से स्ट्रेट ब्रांचेस जा रही हैं जो कि जेजुनम की तरफ जा रही हैं, थिक वॉल की तरफ, ठीक है। ये जो स्ट्रेट है इनको हम कहते हैं वेजा रेक्टा, ठीक। अच्छा, इसी तरीके से अब यहाँ पे इस आर्केड को देखो, ये ज़्यादा डेंस है, इसमें 4 to 5 रोज़ हैं और इसमें कम रोज़ हैं, तो इसका मतलब है जो अगर डिफरेंस देखा जाए तो इसमें ब्लड सप्लाई जो ज़्यादा आती है वो किसकी तरफ आती है, इलियम की तरफ आ रही है, और ये इसकी वेजा रेक्टा है, ये भी न्यूमरस हैं, ठीक। तो ये एक थोड़ा सा डिफरेंसेस है, लेकिन आती ब्रांचेस किसकी हैं, ये सारी सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी की ही हैं क्योंकि वो मिडगट को सप्लाई की आर्टरी है। वाइल एग्जामिनिंग रेडियोग्राफ्स एंड एंजियोग्राफ ऑफ ए 52 ईयर्स ओल्ड पेशेंट, अ फिजिशियन इज ट्राइंग टू डिस्टिंग्विश द जेजुनम फ्रॉम द इलियम, ठीक है। उसको डिस्टिंग्विश करना चाह रहा है, ही हैज़ ऑब्जर्व दैट द जेजुनम हैज़, जेजुनम की बात कर रहा है, फ्यूर प्लाइका सर्कुलरिस एंड फ्यूअर मेसेंट्रिक आर्टीरियल आर्केड, लेस डाइजेशन एंड अब्सॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट, शॉर्ट वजा, शॉर्ट तो नहीं होता लेकिन कम होते हैं। तो हमारे पास इसका ऑप्शन जो सही आएगा फ्यूअर मेसेंट्रिक आर्टीरियल आर्केड, क्योंकि जेजुनम में कम है और इलियम में ज़्यादा होता है, तो इसका आंसर ये हो गया। प्लाइका सर्कुलरिस तो हिस्टोलॉजी है जो मैंने अभी नहीं बताई क्योंकि वो मैं अपने हिस्टोलॉजी के लेक्चर में आपको बता चुकी हूँ, ठीक। ये इस तरीके से आपको ध्यान देना है कि भई इस डायग्राम के थ्रू किस किस्म का बीसीक्यू आ सकता है, ठीक। अब आते हैं कि इसमें पार्ट्स ऑफ लार्ज इंटेस्टिन के लिहाज से, लार्ज इंटेस्टिन के सबसे पहले तो आपको पार्ट्स आने चाहिए, ये देखो अपेंडिक्स है, ये यहाँ पे सीकम है, फिर ये असेंडिंग कोलान, ट्रांसवर्स कोलान एंड डिसेंडिंग कोलान, सिग्मॉइड कोलान, फिर रेक्टम एंड एनल कैनाल। तो मिड गट जो होती है ये राइट 2/3 ऑफ द ट्रांसवर्स कोलान तक होती है, ठीक है। तो यानी कि या ये अपेंडिक्स, ये सब इनकी असेंडिंग कोलान, सीकम, इनके पास जो ब्रांचेज आएंगी वो सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी की आएंगी, और जो ट्रांसवर्स कोलान का लेफ्ट पार्ट है और जो डिसेंडिंग कोलान, सिग्मॉइड कोलान वगैरह, इनकी पास जो ब्रांचेज आएंगी वो हाइंड गट की आर्टरी जो इन्फीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी होती है वो सप्लाई करेगी, ठीक। अब इसमें कुछ तो ये हिस्टोलॉजिकल पॉइंट्स हैं जो बहुत अहम हैं जो आने चाहिए। देखो ये हमारे पास जो है
कोलान का ये इन्होंने जो दिखाया है इसमें, ये जो ये एक लेयर दिखाए ना, ये हमने पढ़ा हुआ है मिकोज़ा, सब मिकोज़ा, मस्कुलर्स एक्सटर्ना, मस्कुलर्स एक्सटर्ना जो कोलान की है वो इनर सर्कुलर लेयर कंप्लीट है लेकिन आउटर लॉन्गिट्यूडनल कंप्लीट नहीं है, उसकी थ्री बैंड्स हैं। तो उसमें से जो स्पेस आती है जहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल कंप्लीट नहीं है वहाँ पे आप देखो ये पेरिटोनियम इस तरह बर्ज कर रही है, ठीक, तो उसको हास्ट्रेशन सर्कुलेशंस कहते हैं। लेकिन अपेंडिस इसमें ये लिखा हुआ अपेंडिस एपिप्लासी, अब अपेंडिस एपिप्लासी क्या है, स्मॉल बैग है लेकिन देखो ये बाहर की पेरिटोनियम, ये इसके साथ है विसरल पेरिटोनियम, कौन सी विसरल पेरिटोनियम फिल्ड विथ, इसके अंदर येलो बनाया हुआ है इसका मतलब है फैट है, ठीक है, फैट अटैच टू द टीनिया ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन, ये टीनिया को लाए, ठीक, दस दे आर एबसेंट इन द अपेंडिक्स में भी नहीं होंगे, ये बहुत अहम बी सी क्यू है, रेक्टम में एनल कैनाल में नहीं होंगे, दी अपेंडिसिस एपिप्लासी आर मोस्ट न्यूमरस ऑन साइड्स ऑफ द सिग्मॉइड कोलान एंड पोस्टीरियर सर्फेस ऑफ द ट्रांसवर्स कोलान, ये बहुत बहुत बहुत, ये भी आपको अपेंडिसिस एपिप्लासी नजर आ रही है, ये लॉन्गिट्यूडनल टीनिया को लाए ये वाला जो है, इसी के साथ ये रन कर रही होती है। फिर सेक्यूलेशंस या हास्ट्रेशंस, ये वाली ये जो बल्जिंग आ रही है, दीज आर सीरीज ऑफ पाउचेज डायलेटेशन, किसकी वाल से, सीकम के वाल से एंड कोलान के वाल से भी आते हैं, ठीक है, बिटवीन दी जहाँ पर ये टीनियों को लाया वहाँ पे ये बल्ज कर रही होती है, ठीक, क्योंकि यहाँ पे जो लॉन्गिट्यूडनल कोर्ट है वो कंप्लीट नहीं होती है तो वो थोड़ा सा बल्ज कर जाती है, तो इसको जैसे इसको कहते हैं और ये होती लार्ज इंटेस्टाइन में ही है, स्मॉल इंटेस्टाइन में ये फीचर नहीं है, ठीक है। अब ये हमारे पास सीकम है, ये अपेंडिक्स है, अब ये हमारे पास अभी तक ये मिड गट के पार्ट हैं, तो इसका मतलब है जो आर्टरी की ब्रांचेज आएंगी वो सुपीरियर मेसेंटरिक आर्टरी की होंगी, तो ये सुपीरियर मेसेंटरिक आर्टरी है, इससे ये देखो कोलिक इलियोकोलिक आर्टरी है, इलियोकोलिक अपेंडिकुलर भी दे रही है, ये अपेंडिक्स को जो दे रही है, ठीक है, और ये सीकल ब्रांचेज भी दे रही है, एंटीरियर सीकल और ये पोस्टीरियर सीकल, यानी कि सीकम और अपेंडिक्स की जो ब्रांचेज हैं वो आती तो मिडगट की आर्टरी से जिसका नाम है सुपीरियर मेसेंटरिक, लेकिन सुपीरियर मेसेंटरिक खुद नहीं आती, वो कौन सी है, उसकी इलियोकोलिक आर्टरी है, इस पर बी सी क्यू देते हैं, तो उसकी ब्रांचेज आती हैं सीकल एंड अपेंडिकुलर, ठीक है। अब ये पूरा दिखाया है, ये सुपीरियर मेसेंटरिक आर्टरी है मिडगट की और ये इन्फीरियर मेसेंटरिक आर्टरी है। अब देखो ट्रांसवर्स कोलान के राइट टू थर्ड तक हमारे पास जो ब्रांचेज आ रही है वो सारी सुपीरियर मेसेंटरिक आर्टरी की आ रही हैं, जो दूसरी तरफ इधर लेफ्ट टू वन थर्ड से जो शुरू हो रही है वो ब्रांचेज हैं किसकी, ये इन्फीरियर मेसेंटरिक आर्टरी, ये उसकी ब्रांच है, ठीक है, वो राइट कोलिक आर्टरी सप्लाई कर रही है वहाँ पे, यहाँ पे लेफ्ट कोलिक आर्टरी है ये वाली जो कि इधर राइट लेफ्ट टू थर्ड ऑफ ट्रांसवर्स कोलान और डिसेंडिंग कोलान वगैरह को सप्लाई कर रही है, सिग्मॉइड से सिग्मॉइड के लिए सिग्मॉइडल आर्टरीज आएंगी, ठीक है, रेक्टल के लिए सुपीरियर रेक्टल आर्टरी वगैरह, ये हमें आना चाहिए कि भई फिर इस पे बी सी क्यू आ जाता है कि कभी कभी जैसे मैंने शायद लिखा होती मिडिल कोलिक आर्टरी इज़ ए ब्रांच ऑफ मिडिल कोलिक आर्टरी, दिस इज़ द मिडिल कोलिक आर्टरी, ये इज़ ए ब्रांच, ये सुपीरियर मेसेंटरिक आर्टरी की ब्रांच है, ठीक है, राइट कोलिक बी सी की है, मिडिल कोलिक और इलियो कोलिक बी सी की है, इलियोकोलिक से फिर ये अपेंडिकुलर और इस सीकम को सप्लाई होती हैं ब्रांचेस, ठीक है, इस तरीके से इसकी ब्रांचेस पूछ सकते हैं। फिर वो क्या पूछ रहा है, अब यहाँ पे ये जो है अलग अलग मैंने दिखाया है कि ये एब्डोमिनल एओर्टा है जिसमें ये ऊपर से ये तीनों वेंट्रल ब्रांचेस दिखाई हैं, ये वाली सिलेक्ट रंग के और ये सुपीरियर मेसेंटरिक आर्टरी है, ये वाली इन्फीरियर मेसेंटरिक आर्टरी, ये सुपीरियर मेसेंटरिक आर्टरी जो कि मिड गट की डेरिवेटिव्स को सप्लाई कर रही है, यानी कि ये अपेंडिक्स हो गया ये वाला और ये सीकम असेंडिंग कोलान राइट टू थर्ड ऑफ दी ट्रांसवर्स कोलान तक, ठीक। अच्छा अब ये लेफ्ट वाली है जो यानी कि लेफ्ट पार्ट जो हाइंड गट जो यहाँ से शुरू होता है लेफ्ट वन थर्ड ऑफ दी ट्रांसवर्स कोलान से फिर डिसेंडिंग कोलान सिग्मॉइड वगैरह, इसको जो आर्टरी सप्लाई इन मिड हाइंड गट की आर्टरी होती है इन्फीरियर मेसेंटरिक आर्टरी, वो भी ब्रांच है किसकी, एब्डोमिनल एओर्टा की है, ये एब्डोमिनल एओर्टा, ठीक है, उसकी जो ब्रांचेज यहाँ पे देखो ये है लेफ्ट कोलिक आर्टरी, ठीक, और यहाँ पे आप ये देखो ये जो ब्रांचेज आ रही हैं सिग्मॉइडल आर्टरीज जो डायरेक्ट सुपीरियर इन्फीरियर मेसेंटरिक आर्टरी से आ रही हैं और लेफ्ट कोलिक आर्टरी जो है वो कोलिक ब्रांचेज दे रही है डिसेंडिंग कोलान को भी और ये लेफ्ट कोलिक फ्लेक्चर को भी दे रही है एंड लेफ्ट वन थर्ड ऑफ दी ट्रांसवर्स कोलान को भी। फिर यहाँ से ये रेक्टम एनल कैनाल के अपर पार्ट तक आएंगी क्योंकि एनल कैनाल का लोअर पार्ट जो है वो एक्टोडर्मल होता है, वो एंडोडर्मल नहीं होता, इसलिए अपर उसकी लोअर पार्ट की सप्लाई बहुत अहम है जो आती है, ठीक। अब यहाँ पे सबसे पहले रेक्टम की ब्लड सप्लाई जो मैंने कहा थोड़ी चेंज होती है सुपीरियर रेक्टल आती है, दिस इज दी सुपीरियर रेक्टल आर्टरी।
यहाँ पे आप देखो सुपीरियर रेक्टल आर्टरी, यहाँ पे दिखाइए, ये रही, इट ये सुपीरियर रेक्टल आर्टरी है विच इज़ ए ब्रांच कंटिन्यूएशन ऑफ द इन्फीरियर मेसेंटरिक आर्टरी। ये बहुत 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 अहम सवाल है, ठीक है। सुपीरियर रेक्टल आर्टरी नॉट ए ब्रांच ऑफ द इन्फीरियर मेसेंटरिक आर्टरी, इट इज़ ए कंटिन्यूएशन ऑफ द इन्फीरियर मेसेंटरिक आर्टरी, ठीक है, जो पूरे रेक्टम की और उसके म्यूकस मेम्ब्रेन वगैरह एनल वेल्व तक उसको सप्लाई करती है, मस्कुलेचर वगैरह होती है अपर पार्ट ऑफ रेक्टम वगैरह। फिर आती है मिडिल रेक्टल आर्टरी, दे ये वन दिस वन, ये देखो किसकी ब्रांच है, इंटरनल इलियाक आर्टरी की। ये बहुत अहम है क्योंकि इसमें मुख्तलिफ आर्टरी सप्लाई करती हैं तो इसकी ब्लड सप्लाई बहुत अहम है, ठीक है। मिडिल रेक्टल आर्टरी है जो किसकी ब्रांच है, इंटरनल इलियाक आर्टरी की, ठीक। और ये सप्लाई करती है सुपरफिशियल कोट ऑफ दी रेक्टम को, छोटी सी है, इधर सप्लाई इतनी नहीं कर रही। अच्छा फिर इन्फीरियर रेक्टल आर्टरी, वेयर इज दिस वन इज़ दी इन्फीरियर रेक्टल आर्टरी, ये ब्रांच है इंटरनल पुडेंडल आर्टरी की। सुपीरियर रेक्टल आर्टरी ब्रांच डायरेक्ट कंटिन्यूएशन थी इन्फीरियर मेसेंटरिक आर्टरी की। मिडिल रेक्टल आर्टरी इज ए ब्रांच ऑफ द इंटरनल इलियक आर्टरी, और ये हमारे पास ये जो इन्फीरियर रेक्टल आर्टरी है, इट इज़ ए ब्रांच ऑफ द इंटरनल पुडेंडल आर्टरी। बहुत 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 अहम है, ठीक है। यहाँ पे एनल स्फिंक्टर होता है, ये एनल वेल्व है, तो ये इसका मतलब है कि ये इन्फीरियर रेक्टल आर्टरी जो है वो स्फिंक्टर को सप्लाई कर रही है, और एनास्टोमस कर जाती है सुपीरियर रेक्टल आर्टरी की ब्रांचेस के साथ, ये जो सुपीरियर रेक्टल यहाँ पे आ रही है, ठीक, और पेक्टिनेट लाइन तक ये सप्लाई करती है। मीडियन सेक्रल आर्टरी, मीडियन सेक्रल आर्टरी यहाँ दिखाइए, मीडियन सेक्रल आर्टरी एब्डोमिनल के यहाँ मिड से बिल्कुल होती है, और वो एनोरेक्टल जंक्शन को सप्लाई करती है, ठीक है। 62 ईयर्स ओल्ड मैन कंप्लेंट ऑफ ब्लीडिंग पर रेक्टम ऑन एग्जामिनेशन इंटरनल हेमराइड्स, इंटरनल, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखो ये एनल वेल्व से ऊपर अगर हेमराइड होंगे तो वो इंटरनल हेमराइड्स होते हैं, यहाँ पे कौन सी आ रही है, सुपीरियर रेक्टल आर्टरी, और नीचे जो होंगे तो वो एक्सटर्नल हेमराइड्स कहलाते हैं। तो क्या कह रहा है कि ऑन एग्जामिनेशन द इंटरनल हेमराइड्स वर सीन, विच वैन इज मोस्ट लाइकली टू बी इन्वॉल्व, विच वैन। तो अगर हम बात करें, अगर यहाँ पे सुपीरियर रेक्टल आर्टरी है तो यहाँ पे वैन भी कौन सी होनी चाहिए, सुपीरियर रेक्टल वैन, तो इसका आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा, सुपीरियर रेक्टल वैन, क्योंकि आर्टरी तो उसने बता दी थी, अगर कोई कॉमन सेंस यूज़ करे तो वो, क्योंकि फिर वो खुद ही पहचान जाएगा कि अपर पार्ट पे हमारे पास सुपीरियर रेक्टल आर्टरी थी, तो उसके साथ वैन कौन सी होगी, सुपीरियर रेक्टल वैन, ठीक है बेटा। ये एग्जाम इतनी भी अगर जीआईटी की ब्लड सप्लाई आ जाती है तो बहुत 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 काफ़ी है।